हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन में फॉर लूप का क्या यूज़ है, पाइथन में फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट स्टार्ट फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप आर यूज फॉर द सिक्वेंशियल ट्रेवल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल्सिंग ए लिस्ट और स्ट्रिंग और एरे एक्सेट्रा। यानी कि फॉर लूप के थ्रू आप एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो, कोई टेबल आपको गिवन है वो आप प्रिंट कर सकते हो। यानी कि ऑल द कंसेप्ट ऑफ द लूपिंग, ऑल द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग जो हम वाइल में करते थे वो हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन फॉर लूप के और भी ज्यादा फीचर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? फॉर आइटरेटिव वेरिएबल्स इन रेंज। यहाँ पर जो सिक्वेंस मैंने लिखा है कि आपको यहाँ पर गिवन कराना होगा कि आपको कहाँ तक चलना है, और उसके बाद मैंने लिख रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं जैसे मैंने वाइल में करे थे, ये फॉर लूप में किस तरीके से होंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है फॉर आई इन रेंज 1,6। यानी कि ये भी ध्यान रखना माय डियर, यहाँ पर जो लास्ट नंबर होता है जहाँ तक हमें लेके जाना होता है वो हमें एक एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में कहा कि मेरे को 5 नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 0 होती है, लेकिन मेरे को 1 to 5 चाहिए, तो मैं 1 से लेकर 6 तक लिखूंगा। माई डियर, इस चीज को ध्यान से देखें कि 1 यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है, 6 लास्ट से एक और ऐड है, यानी कि हमें 5 तक नंबर चाहिए थे लेकिन मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 1 by 1 किस तरह से प्रिंट होगा ये मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ फोर लूप के अकॉर्डिंग। फोर लूप में बेसिक चीज यही ध्यान रखनी है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू क्या है, अगर एंडिंग वैल्यू जो भी आपकी है उससे एक एक्स्ट्रा लेके चलना है आपको फोर लूप के अंदर, ठीक है? तो माय डियर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1,5, यानी कि अब यहाँ पर जो नेचुरल नंबर प्रिंट होने वाले हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपको लेके चलना होता है फोर लूप में, जबकि वाइल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा और देखें कि बच्चे पूछते हैं कि सर बढ़ना तो आसान है लेकिन अगर हम पीछे की तरफ आए यानी कि 10 to 1 करें या 5 to 1 करें तो उसके अंदर क्या रोल होगा। तो बाय डिफॉल्ट तो एक का इंक्रीमेंट हमें समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट चल रहा था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन अगर हमें 5 to 1 आना हो, रिवर्स आना हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। तो माय डियर इधर जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये एंडिंग वैल्यू होती है, और एंडिंग वैल्यू से हमें एक ज्यादा लेना होता है। तो अगर मेरे को 1, 5 to 1 नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं यहां पर 0 लूंगा क्योंकि एक से ज्यादा यहां पर क्या है, 0। अगर रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हो तो एक से ज्यादा क्या है, 0। तो अब हम यहां पर आप देख सकते हो एक से ज्यादा क्या है यहां पर, 0। और इसका जो हमने नेगेटिव पॉइंट लिखा है यहां पर -1, तो ये इंडिकेट करता है यार डिक्रीमेंट जो दे रहा है ये 1 1 का डिक्रीमेंट दे रहा है, राइट? तो इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने लाइव यहां पर वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आईडी ओपन करूंगा यहाँ पर, और आईडी में आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं प्रोग्रामिंग आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट ऑन द स्क्रिप्टिंग मोड ऑफ द पाइथन। पाइथन का आप स्क्रिप्टिंग मोड देख रहे हो यहाँ पर। तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, मैंने हैश से लिख देता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रोग्राम करने लग गए पहले हैश लिखा नहीं आपने, तो 1, 2, 5 नंबर्स ये मेरे को प्रिंट करने हैं यूजिंग द फोर लूप, यूजिंग फोर लूप। तो सिंपल फोर आई इन रेंज, सिंपल तरीके से 1, क्योंकि मेरे को 5 तक चाहिए, मैंने एक एक्स्ट्रा ले रखा है 6, और यहां पर क्या लगा रखा है कॉलन, और प्रिंट कर रखा है मैंने किसको, आई को। सिंपल तरीके से देख सकते हो आई इन रेंज 1,6, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना? और यहां मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, आपके हेल्प के लिए, कि यहां पर मैंने लिख दिया है ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ इस प्रोग्राम को, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव इम्प्लीमेंटेशन लूप 2 से मैंने सेव कर दिया है।
और आप देखिए इसको एग्जीक्यूशन में आप देख सकते हो 1 to 5 नंबर प्रिंट हो गए हैं, जबकि मैंने वहां पर गिवन क्या कराया था 6, देख सकते हो आप यहाँ पर। इसको मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास लाइव इम्प्लीमेंटेशन 1 to 5 नेचुरल नंबर यूजिंग द फोर लूप इन पाइथन। अब इसी प्रोग्राम के अंदर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करता हूँ और इसके अंदर मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में दिखाता हूँ कि मेरे को 5 to 1 कैसे प्रिंट करने हैं। अब मैंने 5 to 1 लिखना है, तो मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर मैंने 0 को रिप्रेजेंट करा और यहाँ पर क्या लिख दिया, -1। -1 का मीनिंग सीधा सा है माय डियर कि -1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि जो डिक्रीमेंट होगा हमारा वो 1 1 से होगा, -1। अगर मैं -2 लगाता तो 2 का डिक्रीमेंट आता, यानी कि 5 के बाद 3 आ जाता, 3 के बाद फिर 1 आता, राइट। तो यहाँ पर 1 1 का डिक्रीमेंट है, तो आप देख सकते हो इधर मेरे साथ। इसको भी मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और इसको F5 से मैं रन करने जा रहा हूँ, तो देख सकते हो आप 5 to 1 नंबर यहाँ पर प्रिंट होके आ चुके हैं, राइट। एक थोड़ा सा और मैनिपुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। अगर मेरे को यहाँ पर गिवन नंबर्स नहीं देना, मेरे को यहाँ पर 1 to 5 चलाना था या 1 to 6 चलाना था, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया यार 6, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर रेंज का क्या मतलब होता है, किस तरह से चलता है, क्या एग्जीक्यूशन में आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो वाला नंबर आता है जितने भी आपको नंबर प्रिंट करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा, और इनिशियल वैल्यू क्या होती है फोर लूप में 0, यानी कि 0 से लूप स्टार्ट होता है और टर्मिनेट वहाँ होगा जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी उससे एक कम, यानी कि n-1। सिंपल सा मीनिंग समझे, n-1 यानी कि nth पोजिशन से एक का डिक्रीमेंट आप कर दो, वहां तक वो पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारे चैनल को, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम्स। हैव ए नाइस डे।